हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आप में से बहुत लोग ने रिजल्ट्स के बारे में पूछा है कि कब होगा, बहुत सारे लोग ने पूछा था। तो आप सबको भी पता चल ही गया होगा कि हम AU का रिजल्ट्स 1 अक्टूबर को देगा, और फिर काउंसलिंग का भी नोटिस दे दिया है कि 4 अक्टूबर को काउंसलिंग करवाएगा। सो काउंसलिंग के बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देती हूँ आप लोगों को कि हमारे टाइम में 2020 वाला बैच के टाइम में काउंसलिंग कैसे हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम लोग का रिजल्ट्स निकलेगा 1 अक्टूबर को, उसमें आप लोग को आपका वैट रैंक दिया जाएगा, वैट रैंक सब कैटेगरी का एक साथ में, और फिर दूसरा कैटेगरी रैंक भी देगा कि OBC में आपका कितना रैंक आया, नहीं तो SC में आपका कितना रैंक, ST में कितना रैंक आया, ऐसा देता है वो लोग। फिर काउंसलिंग 4 अक्टूबर को हो रहा है, तो उसके एक दिन पहले या दो दिन पहले, ऐसा बिफोर द डेट ऑफ काउंसलिंग, हम ईमेल मिलेगा जिसमें वो लोग बताएगा कि जैसे कि हमारे टाइम में ऐसा आया था, वैट रैंक 70 तक OBC स्टूडेंट्स का वैट रैंक 70 तक जितना को मिला उसका काउंसलिंग होगा, ऐसे आया था। सो दोस्त हु हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम उन लोग के मेल में आएगा। एंड काउंसलिंग हुआ था हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप में, जैसा यहाँ पर भी लिखा है माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप, इसमें डाउनलोड करके फिर हमारा काउंसलिंग हुआ था। सो पहले तो रैंक 1 का होगा, रैंक 2 का, 3, 4 ऐसा आता जाएगा। मेरे टाइम में मेरा रैंक 35 था, वैट रैंक 35 था, तो मेरा टाइम आते आते काउंसलिंग 9:39 ऐसे से स्टार्ट हुआ था, फिर मेरा 1:30 और 2 बजे ऐसा बच चुका था टाइम। तो यू हैव टू वेट फॉर योर टाइम, अगर उस वक्त सो गया तो ख़त्म, मतलब इफ़ यू आर एबसेंट ड्यूरिंग योर काउंसलिंग देन योर एडमिशन विल बी कैंसल्ड, ऐसा बोला गया है। और फिर हमारे टाइम में क्या हुआ था कि हम लोग का तो सिर्फ वेट का ही एंट्रेंस हुआ था, इस बार तो एग्रीकल्चर का सब सभी कोर्सेज का हो रहा है ना, तो इस बार कैसा होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे टाइम में जो हुआ था वही मैं बोल रही हूँ। एंड मेरे टाइम में तो ऐसा हुआ था कि हमारा तो दो ही कॉलेज है, लखीमपुर वेटनरी कॉलेज एंड खानापाड़ा वाला। सो हमारे काउंसलिंग के टाइम में मुझे पूछा गया था कि कौन सा कॉलेज यू प्रेफर, तो मैंने खानापाड़ा बोला एंड दे आस्क्ड द रीज़न आल्सो। सो अगर यू ऑल थिंक कि कुछ पूछेगा तो हाँ, ऐसा पूछा गया था, तो मैंने तो बोल दिया था कि मेरा जगह से खानापाड़ा का स्टेशन नियरेस्ट वाला है, लखीमपुर दूर है, इसलिए मैं खानापाड़ा लेना चाहती हूँ, ऐसा कुछ पूछा था काउंसलिंग में। और फिर किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट अगर तुम लोग ने अपलोड नहीं किया, पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड नहीं किया, तो वो सब काउंसलिंग के टाइम यू हैव टू प्रोवाइड। सो अभी से वो सब रेडी करके अपने हाथ में रखना, क्योंकि जब वो लोग पूछेगा तब यू हैव टू प्रोवाइड दैट। और फिर काउंसलिंग के बाद उन हमें एक लिंक दिया गया था जहाँ पर हमें हमारा एडमिशन करना था, कुछ फिल अप करके, नॉट फिल अप, कुछ मार्क करके ऐसा कुछ एडमिशन हुआ था। तो हाँ, ऐसा लिंक देके हमारा एडमिशन भी हो गया था। सो अभी दो दिन के बाद रिजल्ट्स निकलेगा, तो लेट्स ऑफ फॉर द बेस्ट, लास्टली ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। एंड आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करना, मैं भी अच्छे से पढ़ूंगी, एंड वी विल बी बेटर यूथ्स। सो बाय बाय।